हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुनिया कैसे यूज करते हैं। और अगर दोस्तों आपके पास अगर साइट पे गुनिया नहीं है तो सिंपल सा अपनडाम आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि गुनिया कैसे चेक करेंगे। और दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हो, तो आपको ये चीज़ आनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको आपके लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब हम अपना मकान किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो जब भी हम कभी अपने मकान की साइट पर जाते हैं, तो दोस्तों एटलीस्ट हमें जा के थोड़ी बहुत मतलब हल्की फुल्की नॉलेज तो होनी चाहिए एटलीस्ट, कि जैसे आपके वहाँ पे ब्रेकर चल रहा है, तो आप जो मिस्त्री वहाँ पे काम करते हैं, तो एटलीस्ट आप उनको बोल सको कि जाके भी मेरे को साउल में एक बार चेक करा दे, या मेरे को गुनिया दीवार आप बना रहे हो नहीं बना रहे हो एक बार चेक करा दे। दोस्तों, आपको जब आपको बिल्कुल नॉलेज होगी नहीं, तो दोस्तों होता क्या है कि आप जब भी मतलब उनको लगेगा कि आप एक लल्लू टाइप के इंसान हो, ठीक है, कि जब आपको कोई नॉलेज है ही नहीं तो आके जाले जाते हो। दोस्तों, आप क्यों क्यूरी करोगे, उनसे कुछ पूछोगे कि ये चीज़ सीधी है नहीं है, तो आपको उनको लगेगा जब आप उनसे बोलोगे कि मेरे को साउल में दीवार है नहीं है एक बार चेक करा दो या गुनिया चेक करा दो, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो काम होगा वो परफेक्ट होगा। और दोस्तों, हम अपनी मेहनत का पैसा इतना लगाते हैं अपने मकान पे, और जब दीवारें रेंच में होती है तो आपको पता है, अगर आपकी दीवार परफेक्ट 90 डिग्री है, बिल्कुल गुनिया में है, तो उसका एक अलग सा ही लुक आता है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का एक मोटिव यही है कि आपका जो पैसा लग रहा है वो बिल्कुल आपको परफेक्ट लुक मिले, और आपके पैसे का यूज हो, आपका पैसा बर्बाद ना जाए कि बाद में आपको लगे कि यार ये चीज़ रेंच में आ गई, शायद उसको अगर हमें पहले इस चीज़ की नॉलेज होती है, वीडियो मेरे को पहले मिलती तो शायद ये चीज़ नहीं हो सकती थी। तो मेरा मोटिव यही है कि अगर आपका मकान बन रहा है तो साइट पे आप जाइए, एक बार चेक कीजिए कि साउल में दीवार है या गुनिया में जो है या नहीं है। तो बस वही चीज़ दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली आज करके दिखाता हूँ कि गुनिया कैसे चेक करते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ पर एक बार। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। और वीडियो को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे कमरे की एक दीवार है, ठीक है। देखिए, मैं आपको आज फीते के साथ एक बार चेक करके दिखाता हूँ, तो फीते से गुनिया कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये एक दीवार है, ये एक कॉर्नर है, ठीक है। इसमें एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, ठीक है, ये कॉर्नर है। दोस्तों, जो फीते से गुनिया चेक करते हैं वो कैसे करते हैं, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि एक कॉर्नर से आपको एक फीता ऐसे लगाना है, और आपको ऐसे 3 फीट पे एक निशान ले लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने 36 इंची पे एक ये ब्लैक निशान लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक हाथ से कैमरा है और एक हाथ से मेरा फीता है, तो थोड़ा अगर आप में रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं बताऊँ, एक बार आप प्रैक्टिकली घर पर या साइट पर करके ज़रूर देखना कि देखो, एक बार यहाँ कॉर्नर से मैंने फीता पकड़ा, ये पूरा 3 फीट पर खोल दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सॉरी, ये 3 फीट पर पूरा है, ठीक है। और अब जो दूसरी दीवार है उसको हम 4 फीट पे ले लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, जो मेरी दूसरी दीवार है ये मैंने वहाँ से लगा के ये यहाँ पे पूरा 4 फीट पे, देखो 48 पूरे 4 फीट। एक्चुअली ये क्या है, फीता बीच से मुड़ा हुआ है, तो एक्चुअली मैंने पहले निशान मार लिया था अपना माप के, तो ये बिल्कुल 4 फीट पे आ गया, थोड़ा यहाँ पे आएगा, इसलिए मेरे एक हाथ में मेरा कैमरा है तो अच्छे से मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट 4 फीट पे, ये जो ब्लैक निशान जो मैंने एरो को लगा रखा है, ये पूरा एग्जैक्ट 4 पे है, ठीक है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें करना ये है कि 4 फीट का जो निशान है, एक 4 फीट का निशान है ये पूरा, और दूसरा जो निशान है इस कॉर्नर का, ये 3 फीट का, ये देखिए निशान है, ठीक है, ये 3 फीट का है इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से ये पूरा मैंने 3 फीट पे निशान लगा दिया है, और इस कॉर्नर से मैंने पूरा ये माप के ये पूरा 4 फीट पे लगा दिया है। अब इस कॉर्नर को इस वाले पॉइंट से और इस पॉइंट को जब हम मापेंगे, यहाँ पे ये मापेंगे, तो ये पूरा 5 फीट होना चाहिए। एक्चुअली मैं माप नहीं पाऊंगा क्योंकि बिकॉज ये फीता ज़्यादा खोलना पड़ेगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि ये चीज़ आप एक बार करके देखिए कि इस, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ से लेकर ये पूरा निशान यहाँ तक,
पॉइंट ये यहाँ तक, ये पूरा 5 फीट, ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा दोस्तों। अगर आपका ये पूरा 5 फीट पे ये पॉइंट आता है, ये फीता आता है, दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं कि एक यहाँ से वो बिल्कुल निशान पे लगता है ये वाला, तो बिल्कुल आपका जो ये जो दीवार है वो बिल्कुल गुनिया पे है। तो आप थोड़ा एक बार कॉपी भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे मैंने प्रैक्टिकली तो आपको बता दिया है, फिर भी एक बार मैं आपको पेपर पे जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखिए ये गुनिया है, गुनिया हम एक बार में मेजरमेंट टेप से भी चेक कर सकते हैं। अगर अपने पास गुनिया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर अपने पास गुनिया नहीं तो आप मेजरमेंट टेप से भी इस विधि से 3, 4, 5 के रूल से भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, ये आपका कॉर्नर है जो मैंने आपको दिखाया, एक इस कॉर्नर से आपकी जो एक दीवार है उसको आपने 3 फीट लेना है, निशान लगा देना है यहाँ पे 3 फीट पे, यहाँ फीता रखना है, यहाँ से खोल देना पूरा 3 फीट पे निशान लगा देना है, एक बार फीता यहीं रखना है कॉर्नर में और एक दूसरी दीवार पे ये 4 फीट पे निशान लगा देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पॉइंट बी इस वाले निशान से 3 फीट वाले निशान से और जो 4 फीट वाले जो निशान है ये यहाँ पे, तो इस दोनों को आपने मिलाना है फीते की सहायता से। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे फीता रखने के बाद, यहाँ पे फीता रखने के बाद यहाँ तक आपका अगर पूरा 5 फीट है, तो मान लीजिए आपकी दीवार पूरी 5 मतलब की गुनिया में है, अगर आपका ये पॉइंट से यहाँ तक पूरा 5 नहीं मिलता, थोड़ा आगे पीछे होता है, तो आपकी दीवार में रेंज में है, तो आपकी दीवार गुनिया में नहीं है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट गुनिया मतलब कि परफेक्ट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी दीवार के गुनिया में होना। आपकी दीवार अगर गुनिया में है तो आपका अलग से लुक आता है, अगर आपकी दीवार में रेंच है तो आपको पता ही है दोस्तों कि उसमें लुक नहीं आता है। ठीक है, तो सिंपल है, आपके कुछ ये पॉइंट है, A to B 3 फिट, A to B 3 फिट, B A to C 4 फिट और B to C 5 फिट। ठीक है, इस विधि से आपका अगर B to C आता है तो अगर पूरा अगर 5 फुट मिलता है तो आपका जो दीवार है वो गुनिया में है, आप इस विधि से भी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो रिक्वेस्ट आपसे कि मैं टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप लाइक करोगे तो मुझे दोस्तों अच्छा लगता है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि अपना टाइम निकाल के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।